हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं वाइजर की सैंपी। तो गाइस ये एक ऐसा सर्वर है जिसपे कि यार मेरे सारे सब्सक्राइबर खेल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस इस वाले सर्वर में खेलने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना एंड गाइस वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस ये वाला वाइजर की सैंपी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि गाइस इसमें ऐड कर दिया मैंने हीरो ब्रायन एसएमपी का लेटेस्ट वाला, जिसमें कि गाइस आप लोगों को सारे न्यू बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। वेल गाइस आप लोग इस वाले सर्वर को यार क्राफ्टमैन क्राफ्ट एंड बिल्डिंग से भी ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस अगर आप में ये वाला गेम वर्क नहीं करता तो गाइस आप लोग क्राफ्ट एंड बिल्डिंग या फिर यार माइनक्राफ्ट से ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कि गाइस ये वाला सर्वर हर एक गेम में वर्क करने वाला है, जिसमें कि यार 1.18 अपडेट आ चुका है। तो गाइस अब तो वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर ही देना। ओके तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो यार ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला हीरो ब्रायन एसएमपी है, जिसमें कि गाइस बिग चो ने यार अवेंजर टावर भी बनाया था। और अगर जो रोनी गेम्स ने गेमिंग हाउस बनाया था, आप लोग उसके आगे जाओगे तो गाइस यहां पर आप लोग को एक बहुत ज्यादा तगड़ा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि यार सैसे खतरनाक किसान ने बनाया था। आप लोग गाइस देख सकते हो यार ये कितना ज्यादा तगड़ा है, मुझे भाई बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो गाइस आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले सर्वर में खेलने के लिए, क्योंकि गाइस मैंने कीप इन बैटरी भी ऑन कर दिया है। और हां गाइस आप लोग इस वाले वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि गाइस वो लोग भी इस वाले सर्वर को ज्वाइन करें एंड आपके साथ एंजॉय कर पाए। ओके गाइस अगर आपके पास क्राफ्टन बिल्डिंग या फिर माइकी क्राफ्ट है तो गाइस आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाना है। और गाइस वहां पर आप लोग को कुछ इस टाइप का एक लिंक मिलेगा, तो गाइस आप लोग जाओ उस वाले लिंक पर क्लिक कर दो। कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो गाइस आप लोग को लीव पर क्लिक करना है। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर ऑप्शन आ चुका है क्राफ्टन बिल्डिंग। तो गाइस आप लोग क्राफ्टन बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेना। और गाइस आप लोग क्राफ्ट्समैन क्राफ्टन बिल्डिंग को सिलेक्ट मत करना, क्योंकि गाइस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके गाइस जब आप लोग क्राफ्टन बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेगा तो गाइस आप लोगों का गेम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देन गाइस आप लोग को सेटिंग पर क्लिक करना, उसके बाद प्रोफाइल पर जाना। उसके बाद गाइस आप लोग को दो चीज को चेकआउट करना है कि गाइस आप लोग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन हो या फिर नहीं। गाइस अगर आपका ये यूज सेलुलर डाटा ऑफ होगा तो गाइस आप लोग इसे ऑन करके रखना। तो दोनों चीज को चेकआउट करने के बाद आप लोग को सर्वर पर जाना। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा वाइजर के सैंपी 1-2। तो गाइस आप लोग सिंपली यार ज्वाइन सर्वर पर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस अगर एक ऐड आया तो गाइस आप लोग को ऐड को कम से कम 10 सेकंड तक देखना है, फिर गाइस ऐड को कट करना। ओके तो चलो अब हम लोग बात करते हैं आप लोग क्राफ्टमैन क्राफ्टन बिल्डिंग, मतलब कि गाइस क्राफ्टन बिल्डिंग 2 में यार इस वाले सर्वर को कैसे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट को डाउनलोड कर लेना है। फिर गाइस आप लोग को एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट पर जाकर यूआई सर्च कर लेना है। देन गाइस इस वाले यूआई को आप लोग इंपोर्ट कर लेना अपने क्राफ्टन बिल्डिंग 2 में। उसके बाद गाइस जब आप लोग यूआई को इंपोर्ट कर लोगे तो गाइस आपका क्राफ्टमैन क्राफ्टन बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देन गाइस आप लोग को सेटिंग पर क्लिक करना, उसके बाद टेक्सचर पैक पर जाना। देन गाइस यहां पर आप लोग को ये वाला यूआई को एक्टिव कर लेना है जिसे अभी आपने इंपोर्ट किया है, तो इसे आप लोग एक्टिव कर लेना। फिर जब आप लोग एक्टिव कर लोगे तो गाइस आपका गेम कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देन गाइस आप लोग को करना क्या है, सिंपली यार प्ले पर क्लिक करना, उसके बाद सर्वर पर चले जाना। फिर गाइस यहां पर ऐड सर्वर लिखा हुआ है तो गाइस आप लोग को उस पर क्लिक करना है। फिर गाइस यहां पर आप लोगों को तीन चीज को फिलअप करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। गाइस आप लोग इन तीनों चीजों को अच्छे से फिलअप कर लेना। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को पोर्ट में कुछ इस टाइप से इस वाले नंबर को डाल देना है, आप लोग अच्छे से यहाँ डाल लेना। फिर गाइस आप लोगों को सर्वर एड्रेस पर जाना है और गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये लिख देना है। आप लोग इस वीडियो पॉज कर अच्छे से देख लो, जहाँ पर मैंने डॉट लगाया आप लोग भी डॉट लगाना। और गाइस आप लोगों को स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसे मैंने लिखा आप लोग को भी वैसे लिखना है। फिर गाइस आप लोग सर्वर नेम में कुछ भी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर वाइजेग लिख देता हूँ, आप लोग को जो भी मन आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद गाइस सेव पर क्लिक कर देना, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। ओके गाइस सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ी देर वेट करना है, जब तक गाइस यहाँ पर 0/50 दिखाता नहीं है। फिर गाइस जब दिखाने लगेगा तो गाइस आप लोग इस वाले पर क्लिक करना। देन गाइस यहां पर आप लोगों को करना क्या है, रिमूव कर ओके पर क्लिक कर देना। फिर फ्रेंड्स के सेक्शन में जाना और गाइस जल्दी सर्वर को ज्वाइन कर लेना। और गाइस अगर ऐड आया तो गाइस आप लोगों को ऐड को कम से कम 10 सेकंड तक देखना है, फिर गाइस सर्वर में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। तो गाइस जल्दी ज्वाइन कर लो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय सायोनारा। और गाइस इस वाले सर्वर को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इनको क्या पता मेरे करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया।